हमने साबित किया भले ही पार्लियामेंट में गुंडे चुन के चले जाए लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप हम इलेक्शन कमीशन के चुनाव अधिकारी ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छी बात, चुनाव तक जिंदा रहेंगे तब ना सर। कौन बोला? अरे भाई खड़े हो जाओ, मुर्गा नहीं बनाएंगे। देखिए कल की घटना के बाद स्वाभाविक है कि कुछ डरे, इट्स अ ह्यूमन नेचर। कल की घटना से नक्सलियों ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव का बायकॉट करेंगे। नक्सलियों को सिर्फ एक ही अस्त्र मिटा सकता है और वो हथियार है हमारे पास, वोटिंग मशीन। लेकिन हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर पोलिंग बूथ पे माओवादियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हीरो मत बनिएगा वहां, वो जो मांगते हैं दे दीजिएगा। वोटिंग मशीन मांगते हैं दे दीजिएगा। उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को हम रद्द कर देंगे और दोबारा वहां री इलेक्शन करवाएंगे। क्लियर? कोई और? जी अगर री इलेक्शन में भी उपद्रव हुआ तो? री इलेक्शन के बाद फिर री इलेक्शन होगा। सर सर जी सर, अगर री इलेक्शन की रिलेक्शन में भी अटैक हुआ तो? क्या नाम है आपका? न्यूटन। न्यूटन जी, एप्पल वाला न्यूटन ना? क्यों नहीं, एक मिनट। न्यूटन जी, दो के बाद क्या आता है? तीन। तीन के बाद? चार। चार के बाद? गुड बॉय, बैठ जाओ। तो क्या करो? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।